क्लास का नाम है। याद रखना जो हमारा फाइल का नाम होता है वही हमारा क्लास का नाम होता है। मेरी यूजिलिटी आया समझ में? कोई एलिमेंट अगर यूज करना होगा, एलिमेंट बोले तो देखो लाइब्रेरी क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़े हो has include studio.h, तो उसमें printf होता है, scanf होता है। एक्चुअली में होता क्या है, वो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब कि वो ग्रुप ऑफ कोड है जिसमें पहले से फंक्शंस बने हुए हैं, मेथड्स बने हुए हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करेगा। समझ रहे हो? समझ गए? तभी ना आपका जो एंड्रॉइड ऐप है वो समझ पाएगा कि ये फंक्शन का डेफिनेशन कहां पे है, कंपोज लाइब्रेरी में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं @composable, उसके बाद फन, उसके बाद जो भी नाम है, उसके बाद जो भी उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पे जो ये जो टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है, अभी तो मान लो हमको जो है अपने ऐप पे हेलो और कुछ नाम प्रिंट करना है, तो उसके लिए वो क्या क्या कोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोज लाइब्रेरी में एक हमारा टेक्स्ट नाम का क्या है, फंक्शन है, बट वो क्योंकि वो कंपोज लाइब्रेरी में है तो उसको कॉल करने के लिए या फिर जो भी उसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ा, इस तरीके से बना है। अब इस ये जो पूरा फंक्शन है ग्रीटिंग से कॉल कहां करेंगे, ये वाला हो गया हम लोग फंक्शन को इनिशियलाइज किए, डिफाइन किए सॉरी। अब इसको हम लोग इन्वोक कब करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट प्रीव्यू नाम का पहले से बना हुआ रहेगा आप लोगों का फंक्शन, उसके अंदर एक रहेगा फर्स्ट कंपोज प्रोजेक्ट की, उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉल करना है। यहाँ पर जैसे जैसे आप नाम चेंज करोगे वो क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद ऐप देखिए, ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा कंपोजेबल क्या चीज।